सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कांकेर की सभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और विकास एक साथ संभव नहीं, बघेल सरकार पर पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने INTIA में कांग्रेस की भूमिका पर उठाए सवाल, पार्टी बोली पांचों राज्य भी महत्वपूर्ण हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के मामले पर सुनवाई, कोर्ट ने पूछा कब तक सस्पेंड रहेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोली शब्दों से मेरा वस्त्र हरण किया गया, टीएमसी ने एथिक्स कमेटी चेयरमैन को धृतराष्ट्र बताया। कर्नाटक से आ रही बस महाराष्ट्र में रोकी, फिर लगा दिया मराठा आंदोलन तक राज्यों के बीच बस सेवा निलंबित। गाजियाबाद में अनिल राठौर की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा, नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन सख्त, सीओ ने पटाखे की दुकानों पर छापेमारी की है। बाईस जनवरी को होगी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, 2 करोड़ घरों तक पहुंचेगा रामलला का प्रसाद। कानपुर पुलिस का एक और शर्मनाक वीडियो वायरल, नशे में धुत पुलिस वाले ने गरीब के ठेले के पास किया पेशाब। इजराइल हमास की जंग में भारतीय मूल के सैनिक खलील सुलेमान की मौत हो गई, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं रोक सकते हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, ताइवान में फिर 20 चीनी विमानों ने किए घुसपैठ, ताइवान ने इरादे कर दिए हैं साफ। सीटीबीटी को रद्द करने वाले कानून पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया हस्ताक्षर, उप विदेश मंत्री ने कहा था मॉस्को प्रतिबंध का सम्मान करेगा। पाकिस्तान में आम चुनाव की आई तारीख, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 5 दिसंबर को प्रकाशित की जाएंगी अंतिम सूची। इजरायली सैनिकों ने रात भर गाजा में दर्जनों हमास के लड़ाकों को किया ढेर, ITF के प्रवक्ता का दावा। भारत टॉप पर पहुंचा, श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की उम्मीदें और बढ़ी, पॉइंट्स टेबल में फिर उलटफेर। तीन मैचों में 14 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी बोले मेरी गेंदबाजी में रॉकेट जैसी चीज नहीं है। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से धूल चढ़ाकर लगाई रिकॉर्ड्स की छड़ी, वानखेड़े को बनाया इतिहास का पन्ना। मोहम्मद शमी का ऐतिहासिक कारनामा, भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ बनाए शर्मनाक रिकॉर्ड, सिर्फ 1 रन बनाकर गवाए 4 विकेट। तेजस के फ्लॉप होने के बाद द्वारिकाधीश मंदिर गई कंगना रनौत, हुई बुरी तरीके से ट्रोल, यूजर्स बोले बस रील्स ही बनाया करो अब। करीना कपूर ने शेयर की शाहरुख खान के बर्थडे बैश की इनसाइड फोटोज, कल गैंग के साथ मस्ती करती नजर आई बेबो। प्रेगनेंसी रूमर्स को खारिज करते हुए ग्रीन कलर के फिटेड आउटफिट में स्पॉट हुई कैटरीना कैफ, थाई हाई लिस्ट ड्रेस में टाइगर 3 एक्ट्रेस लगी गॉर्जियस।
बिग बॉस के बाद अब टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया में दिखेंगे अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव। यूजर्स बोले फाइनली मिल ही गए दोनों भाई। अंकिता लोखंडे ने ऐश्वर्या शर्मा के पति को बुलाया डरपोक, भड़की एक्ट्रेस ने घर में किया हंगामा। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।